हेलो दोस्तों, अभी दुबे के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 12 का चैप्टर दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति का 13वां क्वेश्चन। तो चलो हम देखते हैं, तब हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 10 1/2 sin 2x / 1 + x² + cos 1 - y² / 1 + y² इसे हल करते हैं। तो लिखेंगे 10 sin 1 2x / 1 x² + cos 1 - y² / 1 + y² तब ये फार्मूला होता है। फार्मूला ये हो जाएगा, ये होता है sin 2x / 1 + x² = 2 tan 1x तथा cos 1 - x² / 1 + x² होता है, ये भी 2 tan x। ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। अब ये हो जाएगा 10 1/2, इसके जगह पर हो जाएगा 2 tan 1x, उसके जगह पर भी हो जाएगा 2 tan 1y। 2 से भाग हो जाएगा सब में, तो ये बचेगा 10 1x + 10 1y, ये बचेगा। एक फार्मूला होता है 10 1x + 10 1y बराबर होता है, क्या होता है, 10 1x + y / 1 - xy, ये फार्मूला होता है। इसे हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 1x + y / 1 - xy, ये हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x + y / 1 - xy। आंसर। चलो अब हम 14वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया है यदि साइन ब्रैकेट में sin 1/5 + cos 1x = 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हल sin 1/5 + cos 1x बराबर 1 दिया है, बराबर 1 दिया है। तो हम इस साइन को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा sin 1/5 + cos 1x हो जाएगा ये हो जाएगा। अब चूंकि sin 1 होता है π/2, तब ये हो जाएगा sin 1/5 + cos 1x बराबर होता है π/2, ये हो जाएगा। और एक फार्मूला और बनेगा, देखो क्या बनता है। sin 1x + cos 1x = π/2,
तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स को उधर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन अपान फाइव बराबर पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया। अब साइन इनवर्स पाई वन माइनस फाइव, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स फार्मूला से। अब साइन से साइन कैंसिल कर दूँ तो वन अपान फाइव बराबर एक्स, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स बराबर वन अपॉन फाइव, यही है हमारा आंसर। चलो कि रहा क्वेश्चन देखते हैं, तो दिया है टेन इनवर्स ब्रैकेट में टू कॉस ब्रैकेट टू साइन इनवर्स वन अपॉन टू, तब ये हो जाएगा फार्मूला लगेगा इसमें, ये साइन इनवर्स वन अपॉन टू होता है टू पाई बाई सिक्स, टू पाई बाई सिक्स ये होता है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टू कॉस और इनटू टू पाई बाई सिक्स, तो दो एक कम दो तीन दूनी छः, ये हो जाएगा टेन कॉस इंटू पाई बाई थ्री, ये हो जाएगा पाई बाई थ्री। अब एक फार्मूला और बना, कॉस पाई बाई थ्री होता है वन अपान टू, वन अपान टू तब ये हो जाएगा टेन इनवर्स टू इंटू वन अपान टू, दो से दो कैंसिल, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स वन का मान होता है पाई बाई फोर। अब हम रहा क्वेश्चन करके, तो क्या दिया है कॉट ब्रैकेट में टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा दिया है, तो इसे हम हल करते हैं। तब ये कॉट ब्रैकेट में टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा, तो एक फार्मूला बनता है, चूँकि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू, पाई बाई टू होता है, तो ये हो जाएगा कॉट, और इसके जगह पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई टू। अब चूँकि ये फार्मूला होता है कॉट पाई बाई टू होता है जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।